ना पता था कि आने वाले समय में अगर हम हमारी टीम जीतती है दोनों में से जो भी जीतते हैं वो सीधे कोलकाता पहुंचने वाले हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए. कैसा लग रहा है इस वक्त, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू. बहुत प्रेशर मैच था और दोनों टीम अच्छी खेली, विशेषकर दिल्ली जो इतना कम रन होने के बाद भी जो गेम में कमबैक कर दिए थे उसमें हम भी सोचने पे मजबूर हो गए थे, लेकिन हमारे बैट्समैन भी अच्छे बैटिंग किए और दिल्ली स्टार्ट में ही बस 20 रन शॉट के कारण ये मैच उनको बाद में भारी पड़ा, लेकिन अच्छा मैच हुआ और कोई नई टीम पहुंची है तो ये ज्यादा खुशी की बात है. बिल्कुल गोलू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि आपने जो खेला और उसके बाद में आपकी जो लाइनअप थी, बिल्कुल सही कहा आपने कि 20 से 25 रन का जो टारगेट था शॉट रहा, यानी कि 185 का स्कोर शायद थोड़ा सा मुश्किल ला सकता था. आपको क्या लगता है कि अगर 180 प्लस होता तो शायद थोड़ा सा बैटिंग स्टाइल में चेंज लाना पड़ता आपको? हाँ, ये सही बात है कि दिल्ली जो स्टार्टिंग 10 ओवर थी उसमें काफी अच्छी बैटिंग की, 10 ओवर में 90 रन था, लेकिन जो लास्ट का 10 ओवर है उसमें झारखंड ने अच्छी बॉलिंग की इसके कारण ही 20 रन 25 रन शॉट रहा. नहीं तो अगर 20 25 रन और होता 180-185 समथिंग तो अभी मैच कुछ और मोड पे होता. बिल्कुल सही कहा आपने गोलू. एक अंतिम प्रश्न, जिस तरह से आप B1 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं और जो एंथुजियाज्म जो जोश आप में है, आप जिस तरह से अपनी टीम को लेकर चलते हैं, तो क्या रहता है आपके मन में जब आप मैदान में उतरते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिकेट खेलने के लिए आएं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या कहना चाहेंगे आप आवाम से, जनता से ब्लाइंड क्रिकेट के लिए, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप आह्वान करना चाहेंगे इस क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड के लिए? देखिए, अभी जो क्रिकेट हमारा ब्लाइंड क्रिकेट है वो एक बहुत ऊपर पहुंच चुकी है, तो इसमें बहुत प्लेयरों को अवसर मिलता है खेलने के लिए, तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम